मुझे एक बात करनी है कि मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी पर वो मुझसे डिलीट हो चुकी है, मतलब गलती मेरी थी, आई नो। तो मेरे पास जितनी भी छोटी छोटी क्लिप्स हैं ट्रैकिंग की मैं वो दिखाती हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखो वर्थ इट था, बहुत ऊपर है और ऐसी चढ़ान है, पर ऊपर जाके जो आपको नज़ारा मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। जब वाओ था, पर ये है कि चढ़ना बहुत पड़ेगा। अगर आप मुंशियारी जाते हैं तो आपको वहाँ मन है तो आप जाइए, अगर आप वहाँ रुकेंगे स्टे करेंगे तो बिल्कुल जाइए। और मुझे बहुत दुख हो रहा है यार कि मैंने क्या कर दिया। और ये जितने भी हमने अपनी वैन ट्रैवलर में हम लोगों ने टेंट वेंट सब लगाए थे, पर बहुत अच्छी अच्छी क्लिप्स थी, उड़ गई हैं। पर जितनी मुझसे हो सकी बैकअप में उतनी मैं लेके आई हूँ, उससे ज़्यादा नहीं आ रही है। बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा यार, क्या करूँ, मेरी गलती है। मिलूँगी भाई, मोमोज से काटते हैं तो दिल अच्छा लगता है। दिखाओ मुझे भी, क्या तुम्हारे पास फोन नहीं है क्या? मैंने आपको किया आपने लाइक नीचे रोड देखी, नीचे रोड हाँ डाल देंगे, हमने एक ग्रुप भी बना रखा है और सब लोग बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। वाह, और नीचे रोड, अरे यार बहुत पेड़ पेड़ है ये, और नीचे वाटरफॉल जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ हम नहाएंगे। एक एक बज रहा है अभी और अभी हमने मोमोज खाए। वो यस पहाड़ भाई साहब, क्या है वो, रोड दिखाती हूँ ये देखिए, उसको नहीं पीना वो अपने एथन में छोड़ो। ये हमारी कवरिंग है, ये देखिए बहुत बहुत बेकार रास्ता है, नीचे एकदम मौत को छू के वापस आने वाला सीन है। और अभी मैं इस रोड पे जाना है, वो जो रोड है वो रोड बहुत पतली है, झरना आ गया, झरना आ गया, देखो पुल के पास, पुल के पास आ गया, आ गया यार, हमें यही तो नहीं है पापा, मुझे छोटू है। हाँ तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, गाइज मेरे पास यहाँ पे नहाने की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस थी, पर क्या करूँ डिलीट हो गई, तो यही सब थी। हम लोग ऐसे ऐसे नहीं हाथ हाथ पकड़ के चल रहे थे क्योंकि पानी बहुत गहरा था, अंदर जाके सब डूबने जा रहे थे, पर मज़ा बहुत आया। हम लोगों ने एक दो घंटे पानी में नहाया, आप देख सकते हैं, शैम्पू भी उसी में कर लिया, कंडीशनर भी, पर सब कुछ हम अपने साथ कूड़ा वूड़ा लेके आए थे, सॉरी। और आप देख सकते हैं मैंने हम लोग सब लोगों ने मैगी वैगी बनाई थी, उसकी बहुत अच्छी वीडियो बनी थी, पर वीडियो नहीं है, जितनी छोटी छोटी थी वो सब मैंने डाली। और पिया दी के फ़ोन से थोड़ी ब्लर ब्लर वीडियोज़ आई हैं क्योंकि उसका फ़ोन हैंग कर रहा है और मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी बिल्कुल। और क्या ही बताऊँ, बहुत दुख हो रहा है, इसकी पहले वाली वीडियो बहुत अच्छी बनी थी पर मेरी गलती की वजह से डिलीट हुई है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे बहुत इन्जॉय किया था, हम लोगों ने पूरा टेंट वेंट लगाया था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी पर नहीं मिल रही है। वहाँ पे हम लोगों ने कैंपिंग की थी, मम्मी लोगों ने वेज खाना भी बनाया था और नॉन वेज भी बनाया था। और जब हम लोग यहाँ से नहा के निकले तो हमें चाय, ब्रेड जैम, ब्रेड बटर बहुत कुछ मिला था खाने को, पर वीडियो नहीं है मेरे पास। और हम सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था। आगे चल के हम लोग अपनी आग जला रहे थे क्योंकि जैसा कि मैंने बताया मैगी के लिए, पर इतनी बारिश हो गई, उसमें ओले भी गिर गए और सब मेहनत कर रहे थे आग के लिए। हमने लकड़ी वकड़ी सब ढूंढने गए थे, हमें गाय का स्कल भी मिला था। मैंने सब वीडियो ब्लॉगिंग की थी, डिलीट हो गई है मुझसे, मैं मुझे बहुत दुख हो रहा है। और ये जो ट्रैवलर है मेरे चाचू की है, इसकी भी मैंने अंदर से लेके बाहर तक वीडियो बनाई थी पर नहीं है, बहुत दुख है। अगर मुझे मिलती है कहीं से भी तो मैं डालूंगी अपनी आगे वाली ब्लॉग में। और ये छोटी बहुत बन गई है ये ब्लॉग, तो ये पहले बहुत लंबी बनी थी और थोड़ी सी मेरी चूक के चक्कर में हो गया। और यहाँ पे पूरी गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर टेंट लगाया, अंदर मम्मी लोग बैठी है, ऊपर टेंट लगाया, पूरा टिका नीचे, हम फोन इतना
थैंक यू कर, क्योंकि पानी में था ना मेरा भी उसका भी। ये देखिए कोई दिख नहीं रहा दूर दूर तक हमारे अलावा, अभी तक उसके पहले तो दिख भी रहे थे, अब चले गए सब। सब लोग नाचेंगे सॉरी पर है डालू ना अब गाइस, पूरा मैगी का सिस्टम गया। ये देखिए पानी पानी हो गई, बहुत हो गया इसमें। ये नदी बहते हुए कहाँ से आई है, ऊपर से चलती हुई आ जा रही। किसी ने पानी खोल दिया, चाचू गया। आइए ये ब्रेकिंग न्यूज घर वालों को देके आते हैं। मैगी नहीं बन पाएगी अब, पूरा पानी बह गया ऊपर से नीचे, पूरा चूल्हा उल्हा चला गया हमारा। अब क्या करेंगे, ट्रेजेडी बहुत हो रही है दोस्तों आज। और दोस्तों मौसम खराब पे खराब हुआ जा रहा है, 4:30 बज रहे हैं, हम बाहर नहीं निकलेंगे, गीले बहुत हो चुके हैं। ये देखिए मेरी पैंट दोस्तों, मेरी हुडी भी गंदी हो चुकी है ये पूरी। कुछ कहना चाहती है, मैगी बन चुकी है, सब लोग खा रहे हैं। ये इसका फोन, पियरी का फोन थोड़ा अजीब सा है, बहुत अजीब अजीब। इधर कोरे में बुलाती है, चांस मिलेगी सबको, चांस मिलेगी, मेरी भी चांस मिलेगी। मेन को जल्दी जल्दी खाली दे, जल्दी जल्दी खाली दे दी। असिस्टेंट को ये नीचे, असिस्टेंट को बैठे नीचे, रोटी बेलने वाली की फोटो बना लो। को उनका को लो मेधावी के किसको दे रही हो, अब इधर से आके बनाओ। पापा बर्फ गिर रही है, ये देखिए बोले बर्फ गिर रही है। अरे जल्दी करो, ए सुको अपनी डायरी दो, डायरी दो। तो यहाँ से हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है, हम लोग सब लोग चल रहे थे और ये मतलब अभी तो स्टार्टिंग थी और सबकी हालत तो ऐसे तो था कि हम लोगों ने ऐसे गूगल पे देखा था तो सबको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे जा गाइस, ये देखिए गाइस, ये रोने लगी है गाइस। फिर आगे जाके एक रेस्टोरेंट पड़ा, हमने वहाँ स्टे किया। उसके बाद फिर से हम लोगों को ऊपर चढ़ना था और सब लोग चढ़े गए थे क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे नूडल्स वूडल्स खाए थे, उतना अच्छा नहीं था और वहाँ पे मैगी भी नहीं थी क्योंकि उन्होंने बोला कि नीचे से आई नहीं और सबकी हालत बहुत टाइट हो रखी थी। आप देख सकते हैं बिना डंडे के तो कोई चढ़ ही नहीं पाता, मतलब क्या ही था। और रास्ते में हमें लखनऊ के लोग बहुत मिले थे 3-4, पर मैंने सब ब्लॉग बनाई थी बोल ली हूँ पर उड़ गई है, बहुत दुख हो रहा है। और नज़ारा बहुत अच्छा था, आप देख सकते हैं। आते आते हमें शाम हो गई थी, हम लोग पहुँचे हैं 4:30 बजे और मम्मी लोगों ने नीचे ट्रैवलर पे हमारे लिए चाय वाय सब खिचड़ी बना के रखी थी, पर उन सबकी मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई। और ये हैं रजित दीदी जो ये सब वीडियो बना रही थी, कैप्चर कर दी थी छोटे छोटे पार्ट्स। और आगे मैं चल रही हूँ और मेरे आगे अनंत चल रहा था। सब हाय बोल दो, हाय उन्होंने तो बोला था पड़ोदा, ये देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है, वो आगे बड़ी भी नहीं पड़ी हुई थी। So, दोस्तों हम लोग फिर रुक गए थे क्योंकि हम लोग का ब्रेक मतलब 20 से 25 मिनट तो हो ही रहा था क्योंकि मैं शुभदादा पिया दीदी हम तीन एक साथ थे और बाकी सब निकल लेते धीरे धीरे क्योंकि हम सबसे धीमे चल रहे थे। पर आगे जाके सब मिल गए और मिधावी दीदी और अंत नहीं यहाँ पे क्योंकि हम लोग खराब हो गई थी। और पहुँचते पहुँचते मैं शाम हो ही गई थी आप देख सकते हैं। और मेरी बहन हमेशा की तरह सबको डांटती हुई और ये ऊपर का मौसम मतलब बादल हमारे साथ, हम बादलों को छू तो नहीं सकते बट हाथ दिख रहे थे प्रॉपर कि आप वहाँ जाए तो यहाँ बिल्कुल जाए, मतलब
क्या बोलूँ, क्या वहाँ से जो व्यू दिखेगा ना वो कहीं से नहीं दिखेगा आपको। अब हम लोग के आते ही वहाँ 15 मिनट बाद स्नोफॉल होने लगी थी, मतलब इतनी किस्मत हमारी खराब थी क्योंकि हमें जल्दी जल्दी आना था क्योंकि नीचे मिधावी दीदी और अनंत वेट कर रहे थे। फिर हम लोग थोड़ा आगे बढ़े इन पहाड़ों के ऊपर से, हम लोग ऊपर और गए और ये हम लोग पहुँचे थे खलिया टॉप पे, ठीक है। और हमारे जस्ट इधर साइड पीछे पूरा हिमालय दिख रहा था, मतलब कि क्या ही बोलूँ, अगर आप वहाँ जाए तो मतलब बेशक जाए, मैं ऐसे मना नहीं करूँगी। थोड़े पैर हाथ खराब होंगे, जो खराब होंगे, हमारा तो डंडा सहारा था अगर, और 30 रुपये पर पर्सन है वहाँ टिकट होता है और आपको शूज वूज मिल जाएंगे अगर आप नहीं जाते हैं, पर हम सब घर से ही पहन के थे शूज वगैरह। क्या ब्लीच कर लिया भाई, डंडा उठा लूँ पहले, मजा आ गई। खलिया टॉप में आपका स्वागत है। कोई पहुंच नहीं पाता है, हम ही पहुंचे हैं। मजाक कर रही हूँ भाई, बना रही, मैं फोन की बैटरी चली गई, खुश इतना स्ट्रगल किया अब, पैसे इतने कमाने की मस्टैंग से। दीदी ले ही आई आप आखिर में, दीदी आप ले ही आई, कैसा लगा? आप कुछ कहना चाहती हैं अपने फोन के बारे में? दीदी का मूड खराब हो गया और वो दीदी भी, उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा व्यू दिखा देती हूँ एक बार बस, फिर बंद करती हूँ भाई। दिखा दे, अरे मैं फोन में बैठी नहीं। ये देखिए सिर्फ बादल बादल दिखेंगे, ये बादलों में हम जैसे वेले लोग दिखेंगे जो जो 7 बजे से चढ़ रहे हो, अब जाके पहुंचे 12 बजे। टोटल कितने घंटे लगे? पाँच घंटे बाद फाइनली, 5-7 बजे से निकली है। देखिए बस यही भी हुआ है दोस्तों, मेरे फोन में बैटरी नहीं, मैं बनाती यही एंड नहीं करूँगी, गाड़ी में जाके फोन चार्ज भी लगाऊंगी, फिर वहाँ से शुरू करूंगी। मम्मी लोग नीचे आएंगे, अपना गाड़ी में खाना वाना बना रहे होंगे, होटल से चेकआउट कर दिया, मिलूंगी थोड़ी देर में। भाई भाई रास्ता बहुत खराब है और बादल बहुत है, पिया दी लोग बहुत आगे निकल गए, और प्लीज़ यहाँ मत आइएगा, अगर खुद को मानना चाहते हैं भैया तो आना वरना मत आना, सच बता रही हूँ। और ये लोग हमें साथ आए थे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। लेट्स गो गाइस, कैसे तैसे करके ऊपर आ गए, मंदिर है नीचे, सब कुछ धुंधला धुंधला है भाई, शॉर्टकट मारते हुए हम और ऊपर जाके व्यू दिखाएंगे। और एक और बात बोलना चाहती हूँ, लौटते समय वीडियो नहीं बना पाऊंगी, किसी के फोन में बैटरी नहीं है, मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, इसलिए अभी खुशी दीदी के फोन से बना रही हूँ। और 12 बज चुके हैं भाई, जाते जाते 4 बजे का बहुत लंबा आ गया, एकदम मौत को छूने जा रहे हैं। फिर वापस आ पाएंगे कि नहीं, अगर ब्लॉग आएगी तो आ पाएंगे भाई, वरना देखते हैं। ओके बाय गाइस, हम बादल छू सकते हैं, बादल हमारे सामने उड़ रहे हैं और हम भी उड़ जाएंगे। हाँ ये बादल है, हम भी उड़ जाएंगे। देखिए इधर से दिखा दे नजारा, और अभी ऊपर जाना है, वो है भैया दीदी दोस्तों, वो हाथ हिलाते हुए, भाई बहुत दूर है, हालत ये देखिए, बहुत अच्छा मौसम है, मिलती हूँ थोड़ी देर में। जैसा कि मैंने बोला आपको आना चाहिए, मैं सब कुछ तो इस वीडियो में दिखाऊंगी नहीं, जब आप वहाँ जाइएगा तब देखिएगा। और मैंने एक छोटी सी क्लिप बनाई थी हम सब की, और वो मैं अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ, और तब तक आप ये एंजॉय करिए। रातें सुरंग सी बागी।